चोर लगातार मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। पुलिस चोरों को पकड़ने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। खटघर थाना क्षेत्र स्थित प्राचीन शिव मंदिर में चोरों ने दान पात्र से हजारों रुपए की नकदी, शिवलिंग, लड्डू गोपाल, त्रिशूल सामान चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। इससे पहले चोर मंदिर को निशाना बना चुके हैं। पुलिस ने दर्ज नहीं की थी रिपोर्ट। गुरुवार रात एक बार फिर चोरी होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मंदिर के पुजारी शुक्रवार सुबह मंदिर में पूजा करने पहुंचे, तब उन्हें चोरी की जानकारी हुई। थोड़ी देर में मौके पर काफी संख्या में लोग पहुंच गए। उन्होंने चोरों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही को लेकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। इंस्पेक्टर कटघर आरती शर्मा ने बताया कि चोरों की तलाश की जा रही है, जल्दी घटना का पर्दाफाश किया जाएगा। प्रणय जी, आपका नाम? मेरा नाम वासुदेव भट्ट है। अच्छा, इसी मंदिर में? जी, इसी मंदिर में। ये चोरी किस समय हुई? अरे चोरी रात को 2:00 वो कैमरा देखा तो उसमें दिखा रहा है 2:19 में आया, और पहले मेन गेट का ताला उसने तोड़ा, उसके बाद अंदर मंदिर के अंदर आया तो दान पात्र के ताले तोड़े, फिर मेन गेट दरबार के आगे जो शीशे का गेट लगा है उसके भी ताले तोड़ के अंदर आया, तो लगभग वो 1.25 घंटा अंदर खगोल के सारे संदूक के ताले और सारे दान पात्र के ताले, अंदर के 2 ताले दान पात्र के तोड़े हैं, और 7-8 तांबे के पात्र थे, 2 पीतल की थाली और 1 शिवलिंग था बड़ा पीतल का, और भगवान के सारे वस्त्र, संदूक के वस्त्र उनने निकाल के बाहर छोड़े, और भैरव जी का भी ताला तोड़ के वो भी खगोला है, देवी जी के 1 नथ और बाकी सामग्री भी अभी यहाँ तो एक वो गोपाल जी का सिंहासन था शादी का, तो वह बहुत पुराना, वो भी ले गए हैं। ये दूसरी बार चोरी हुई, पहले 4 दिसंबर को हुआ, उसके बाद आज कल जो है रात को दोबारा ये चोरी। आपको किस समय जानकारी हुई इसकी चोरी की? सुबह लगभग 7:45। सबसे पहले सूचना किसको दी? सबसे पहले थाने में। और पहले जब चोरी हुई तो उसकी भी सूचना थाने में दी थी? थाने में दी। उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं? कार्रवाई अब लिख के तो यहाँ से कार्रवाई गई थी, लेकिन अभी तक तो कोई सूचना ये नहीं आई कि कोई चोरी का पकड़ने का कोई नहीं हुआ।